कहां से फूड पहुंचता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन एलिमेंट्री कनाल का लॉन्गेस्ट पार्ट है, ये अबाउट 6 to 8 meter लॉन्ग होता है। आपके बुक में 7.5 meter लेंथ दिया हुआ है, तो 6 to 8 के बीच होता है इसका लेंथ। ये काफी लंबा होता है, इसलिए इसका जो ट्यूब होता है वो काफी नैरो होता है। ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है हमारे बॉडी में। बेसिकली हमारे फूड का जो कंप्लीट डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो जाता है। ओके, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जब हमारा फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है, फिर उसके बाद कुछ अनडाइजेस्टेड फूड जो होते हैं वो बच जाते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन स्टॉमक में। वो अनडाइजेस्टेड फूड कैरिड अवे हो जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में। उन अनडाइजेस्टेड फूड से भी अगेन एक बार जो लिक्विड सब्सटेंस है, वाटरी सब्सटेंस है, उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है, और तब जो रेस्ट जो बिल्कुल रेसिड्यू पार्ट होते हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन से पहुंच जाते हैं कहां? रेक्टम में। और रेक्टम में पहुंचने के बाद यही फूड चला जाता है, यही अनडाइजेस्टेड फूड एनस के थ्रू हमारे स्टोमक से बाहर निकल जाता है। इन दिस वे द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कंप्लीटेड। ओके स्टूडेंट्स, आप बहुत ध्यान देंगे कि लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है वो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल से वाटर को पहले एब्जॉर्ब करता है। वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद जो पार्ट बचता है वो हल्का सेमी सॉलिड हो जाता है, और वो पार्ट फीसेस के फॉर्म में रेक्टम में पहुंचता है, रेक्टम में स्टोर होता है, रेक्टम के बाद वो एनस से हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं इजेशन। नाउ वी टॉक अबाउट व्हाई डू वी गेट हिकअप्स, हमें हिचकियां क्यों आती है। आपको पता होगा कि जो विंड पाइप है जिसको हम लोग ट्रैकिया कहते हैं वो एयर को कैरी करता है नॉस्ट्रिल से लंग्स तक, और जो फूड पाइप है वो फूड को कैरी करता है माउथ से स्टोमक तक। तो ये जो विंड पाइप है वो फूड पाइप के एडजेसेंट होता है, साथ साथ दोनों पाइप चलते हैं। हमारे थ्रोट के अंदर फूड और एयर का एक कॉमन पैसेज है। कभी कभी क्या होता है, जब हम लोग फूड को स्वेलो करते हैं तो एक फ्लैट पीस ऑफ जो कार्टिलेज है वो एक ब्रिज का काम करता है, जो फूड को फूड पाइप में भेजता है और एयर को विंड पाइप में भेजता है। कभी कभी हम लोग बहुत जल्दी में खाना खाते हैं, बहुत हड़बड़ाहट में खाना खाते हैं, और ऐसे कंडीशन में हमारा जो विंड पाइप है वो खाने के दरमियान खुला ही रह जाता है, और वो जो फूड पार्टिकल है जिसे फूड पाइप में जाना चाहिए था वो फूड पाइप में नहीं जाकर के विंड पाइप की तरफ चला जाता है, और चूंकि विंड पाइप में विंड के अलावा कुछ जा नहीं सकता है तो अचानक से हमें हिक्यूपिंग शुरू हो जाती है, और ये हिक्यूपिंग तब तक होता है जब तक उस विंड पाइप से वो फूड पार्टिकल बाहर ना निकल जाए, और वापस से फिर वो जब हम लोग पानी वगैरह पीते हैं तो वो जो फूड पार्टिकल है वो विंड पाइप से बाहर निकलकर फूड पाइप की तरफ जाता है और हमारा हिक्यूपिंग बंद होता है। सो दैट इज द बेसिक रीजन बिहाइंड हिक्यूपिंग, और वी कॉल्ड इट हिचकी, जो हिचकी आती है जिसे हम लोग कफिंग करके क्लियर कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट वी टॉक अबाउट टीथ। टीथ को जानने से पहले आप ये जानिए कि हमारे माउथ में 4 types के टीथ होते हैं, कैनाइन, इंसाइजर, प्रीमोलर, मोलर। बेसिकली मैंने अभी जस्ट कुछ देर पहले बताया था कि हमारे माउथ में 32 teeth होते हैं, बट ये 32 teeth एक बार की नहीं आते हमारे माउथ में। जब इनिशियल में बेबीज होते हैं तो उनके माउथ में 20 teeth आते हैं जिसे हम लोग मिल्क टीथ कहते हैं। इन 20 teeth के बाद अगेन जब ये टीथ टूटता है उनका, सेकेंड टाइम जब उनको टीथ होता है तो वो टीथ होता है परमानेंट टीथ, जिसका टोटल नंबर होता है 32। सो हम लोग जो है बायोडोंट है, दैट मीन्स हमारे लाइफ में 2 times टीथ आती है। इस 32 टीथ में जो 2 pair टीथ होता है, दैट मीन्स टोटल 4 pair, वो होता है इंसाइजर। जो 1 pair टीथ होता है वो होता है कैनाइन। फिर 2 pair टीथ जो होता है वो होता है प्रीमोलर, और लास्ट का जो 3 pair टीथ होता है वो होता है मोलर। ये हम बता रहे हैं एक जॉ का, तो जितना ऊपरी जॉ में अपर जॉ में होता है टीथ उतना ही लोअर जॉ में भी होता है। दैट मीन्स 4 incisor, 2 canine, 4 premolar and 6 molar, इस तरह टोटल 16 teeth अपर जॉ में, 16 teeth लोअर जॉ में, और टोटल 32 teeth होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि इन 4 types की जो टीथ है इनका काम क्या क्या है। इनसाइजर जो है
ये टीथ को, ये फूड को बाइट और कट करने में हेल्प करता है। कैनाइन टीथ जो होते हैं ये फूड पार्टिकल्स को टियर या पियर्स करने में हेल्प करते हैं, फाड़ने में या छीनने में हेल्प करते हैं। जो प्री मोलर्स होते हैं ये फूड को च्यूइंग करने में, चबाने में और ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं। और जो मोलर्स हैं इनका भी काम फूड को च्यूइंग करना और ग्राइंड करना है। जैसा कि मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ के बारे में मैंने बताया ही, इन्फेंट स्टेज में जो टीथ होता है वो मिल्क टीथ होता है, और लेटर जो टीथ हम लोगों के माउथ में आता है वो परमानेंट टीथ होता है। स्वयं टूथ डीके क्या है? टूथ डीके का मतलब होता है दांतों का सड़ना। टूथ डीके इज अ प्रोसेस इन विच द टूथ बिकम्स रॉटन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैविटीज इनसाइड इट लीडिंग टू टूथ एज। टूथ डीके एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे दांतों में कैविटीज बनती है, और ये कैविटीज की शुरुआत होती है दांतों में दर्द से। शुरुआत में दांतों में दर्द होती है और धीरे धीरे दांतों में कैविटी बनती है, और इसके कारण हमारा दांत क्या हो जाता है, सड़ जाता है। तो बेसिकली हम लोग कोई भी जब सब्सटेंस खाते हैं, सुगरी सब्सटेंस या साल्टी सब्सटेंस, उसे खाने के बाद जब माउथ को हम लोग अच्छे से रिंस नहीं करते हैं वाटर से, तो उसके ऊपर एक ना मटेरियल रह जाता है स्टिक किया हुआ, और उसी साल्टी और सुगरी मटेरियल में जो एसिड कॉजिंग बैक्टीरिया है वो ग्रो करने लगते हैं उन एसिड्स में, और उन जर्म्स के ग्रो करने के कारण हमारे टीथ धीरे 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 कमजोर हो जाते हैं और फाइनली टूथ डीके होता है। सो स्टूडेंट टुडे आई थिंक इट्स इनफ फ्रॉम साइंस क्लास, इट्स अदर पार्ट्स विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन गुड बाय।